वहीं लुहांस्क के एक इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। रूसी बमबारी से लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और तहखानों में छिपे दिखे और कई लोग तो मिसाइल हमले के बीच जान बचाकर भागते नजर आए। रूसी फौज ने शहर पर इतने बम बरसाए कि कई इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गई। कुछ बिल्डिंगों से तो धुआं भी निकलता दिखा। हमले में कई घरों की खिड़कियां भी टूट गईं और उनका मलबा चारों तरफ बिखरा नजर आया। सामने आई तस्वीरों में बमबारी के बीच कई पुलिसकर्मी स्कूलों और दूसरी जगहों पर लोगों की तलाश करते दिखे और जैसे ही उन्हें वो मिले उन्होंने उनको खाने पीने का सामान दिया, जिसके बाद कई लोग तो खाना पकाते हुए भी नजर आए। बमबारी के बीच डरे सहमे लोग मदद पाकर खुश दिखे, लेकिन वो वापस बंकरों में छिप गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें समझाकर बाहर निकाला और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए तैयार किया। उधर यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूस की बमबारी के बाद कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। रूसी फौज ने कीव, चर्निव, मारियोपोल में टारगेट कर कई हमले किए, जिसमें यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। सामने आई तस्वीर में चर्निव शहर के कई इलाके तबाह दिखे। चारों तरफ टूटी इमारतें और दूर तक सिर्फ मलबा ही दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो पहले कभी कोई यहां रहा ही ना हो। ज्यादातर नुकसान छोटे और लकड़ी से बने घरों को हुआ। यही नहीं, कई ऊंची बिल्डिंगें भी बमबारी के बाद बर्बाद हो गई। दावा किया गया कि रूस ने धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी बम बरसाए। सामने आई तस्वीरों में एक चर्च के अंदर सिर्फ मलबा ही दिखाई दिया। और ऐसी ही तबाही की कुछ और तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव और मारियोपोल शहर से सामने आई, जिसमें कीव के कुछ इलाके रूसी हमले के बाद बर्बाद नजर आए। रूसी फौज के हमले इतने जोरदार थे कि कई इमारतें जल गईं, वहीं कुछ बिल्डिंग तो झुकी हुई भी दिखी। यही नहीं, सड़क पर गोला बारूद का ढेर नजर आया और यूक्रेन के फौजी गश्त करते दिखे। कुछ जवानों ने हथियारों का मलबा भी साफ किया और जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर सकते थे उन्हें साथ ले गए। वहीं मारियोपोल में भी रूस के हमले के बाद तबाही का मंजर दिखा। चारों तरफ मलबा और टूटी हुई इमारतें नजर आईं। रूसी गोलाबारी के बीच शहर के लोग संघर्ष करते दिखे। हमले के खतरे के बावजूद कई लोग शहर लौटे और अपने घरों की हालत देखी। इस बीच यूक्रेन के इवांकीव शहर में पुतिन के जवानों की बर्बरता से बचने के लिए महिलाओं को अपने बाल कटवाने पड़े और दावा है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो अपने बाल कटवाने के बाद सुंदर ना दिख सकें, जिससे रूसी सैनिकों की नजर उन पर ना पड़े और उनकी इज्जत बची रहे, क्योंकि आरोप है कि पुतिन की सेना के कुछ जवानों ने कीव के पास बसे इस शहर में दो नाबालिग लड़कियों का बलात्कार किया। इस शहर की डिप्टी मेयर का दावा है कि रूसी सैनिकों ने उन लड़कियों के बाल पकड़कर उन्हें एक बंकर से बाहर खींचा था जहां वो छिपकर बैठी थी। इवांकीव शहर पर 35 दिनों तक कब्जा करने के बाद हाल ही में रूसी सेना वहां से पीछे हटी है। वहीं रूस के गैस और तेल ने यूरोप को एक बार फिर पुतिन की ताकत का एहसास करवा दिया, खास तौर पर तब जब यूरोपियन यूनियन के एक अधिकारी ने यूरोप की संसद में बोलते हुए यूरोप के तमाम देशों को आईना दिखा दिया और उन्होंने दावा किया कि रूस रोजाना करीब 1 बिलियन यूरो अकेले यूरोप से कमा रहा है। 1 बिलियन यूरो का मतलब है भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ से भी ज्यादा। इतनी बड़ी रकम साल या महीने की नहीं बल्कि रूस की केवल एक दिन की कमाई बताई गई, वो भी सिर्फ तेल और गैस बेचकर, और वो भी अकेले यूरोप से। ये आंकड़ा तब है जब यूरोप के देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ देश तो गैस और तेल के इम्पोर्ट पर लगाम लगाने के भी दावे कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन की संसद में जब ये आंकड़ा बताया गया तो साफ हो गया कि यूरोप से रूस पर लगे प्रतिबंध केवल हवा हवाई हैं। मतलब ये कि यूरोप के नेता रूस पर प्रतिबंधों का केवल दिखावा कर रहे हैं और दावा है कि यही बात यूरोप की संसद में कही भी गई। दावा किया गया कि यूरोप से कमाए गए पैसों का ही इस्तेमाल शायद रूस की तरफ से जंग में हो रहा है। हालांकि पता यह भी चला है कि रूस के तेल और गैस पर निर्भरता कम करने का प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन की संसद में जंग से काफी पहले लाया गया था। जनवरी में ही इस पर फैसला किया जाना था, लेकिन उस वक्त जर्मनी ने बैन के प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया था। और अब कई देश अपने अपने स्तर पर रूस पर निर्भरता कम करने की दुहाई दे रहे हैं। हालांकि आंकड़े साफ कर रहे हैं कि रूस पर यूरोप के लिए निर्भरता कम करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन तेल और गैस के खेल के बीच यूरोप के कुछ देशों ने कोयले पर एक बड़ा फैसला लिया। दावा है कि यूरोप के 27 देशों ने रूस से कोयले का इंपोर्ट बंद करने का फैसला किया है। यूरोप को कोयला एक्सपोर्ट करने से रूस को सालाना 4 बिलियन यूरो यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। हालांकि तेल और गैस के कारोबार के सामने कोयले के एक्सपोर्ट का आंकड़ा कुछ भी नहीं। मतलब ये कि तेल और गैस के मुकाबले कोयले का धंधा 1% से भी कम है। लेकिन कोयले का इंपोर्ट बंद कर यूरोप दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो रूस पर कार्रवाई कर रहा है।
हालांकि रूस पर कार्रवाई के लिए यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने एकजुटता जरूर दिखाई, कुछ अहम फैसले भी लिए गए। दावा है कि यूरोप से रूस को होने वाला एक्सपोर्ट भी बंद किया जाएगा। ऐसा बहुत सा सामान है जो यूरोप के देश रूस भेजते रहे हैं। ये कारोबार करीब 10 बिलियन यूरो सालाना का है, मतलब रुपयों में 80,000 करोड़ सालाना से भी ज्यादा का। इसमें सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर से जुड़ी कुछ तकनीक शामिल हैं। इसके अलावा बिजली का सामान भी यूरोप के देश रूस भेजते रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली कुछ गाड़ियां भी यूरोप में बनती हैं जो रूस पहुंचती रही हैं। दावा यह है कि यूरोप के देश मिलकर रूस के साथ कारोबार से जुड़ी हर उस डील को रद्द करना चाहते हैं जिसके बिना काम चल सकता है। केवल तेल और गैस से जुड़े सौदे ही यूरोप की दुखती रग है, जिन पर चाहकर भी यूरोप के देश बैन लगाने में नाकाम है। इस बीच रूस ने आरोप लगाया कि युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए सैनिकों की अदला बदली में यूक्रेन ने अड़ंगा लगा दिया, जिसकी जानकारी बाकायदा रूस की राजधानी मॉस्को से उनके रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने दी। और पुराने समझौते को तोड़ने का आरोप यूक्रेन पर लगाया, जिसके तहत युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए सैनिकों को लौटाने पर दोनों देशों ने सहमति जताई थी। रूस ने दावा किया कि वादे के मुताबिक यूक्रेन को रूसी जवानों की 251 टुकड़ियां लौटानी थी, लेकिन तय वक्त से ठीक 24 घंटे पहले उसने उनमें 38 सैन्य अधिकारियों को लौटाने से मना कर दिया और तो और इसके पीछे की वजह बताने से भी इनकार कर दिया। उधर जंग के बीच कीव की रहने वाली एक महिला को अपने बेटे का शव उसके मरने के 26 दिन बाद मिला। बताया गया कि कीव में जारी रूसी हमलों से बचने के लिए वो अपने परिवार के साथ शहर से भाग रही थी, लेकिन जब वो एक नाव पर बैठकर नदी पार कर रही थी तभी रूसी बमबारी की वजह से वो नाव पलट गई और उसी वक्त उस महिला की मां की मौत नदी में डूबने से हो गई। साथ ही उसका 4 साल का बेटा भी वहीं डूब गया, लेकिन कीव से भागने की होड़ में उसे अपने बेटे को बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। हालांकि उस महिला को इस बात का पूरा भरोसा था कि कोई ना कोई उसके बेटे को बचा लेगा। इसके बाद उसने कीव छोड़ने का इरादा बदल दिया और अपने बेटे की तलाश में जुट गई और किसी चमत्कार की उम्मीद लिए वो पिछले 26 दिन तक यहां वहां घूमती रही, लेकिन उसका भरोसा उस वक्त टूट गया जब उसे एक इलाके में अपने बेटे का शव मिला। वहीं करीब 1.5 महीने से रूसी फौजियों से जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिक सड़क पर तलवार के साथ मस्ती करते दिखे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दो जवान तलवार थामे नजर आए। दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए और मुस्कुराते हुए तलवारबाजी के पैंतरे सीखे। पास खड़े एक सैनिक ने फौजियों की मस्ती के इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना मिसाइल और बंदूक के साथ ही तलवार से भी जंग लड़ेगी। इस बीच जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी में यूक्रेन युद्ध में मारे गए आम लोगों को अनूठी श्रद्धांजलि दी गई। दावा है कि करीब 1.5 महीने से जारी इस जंग में अब तक हजारों बेगुनाहों की जान जा चुकी है, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जॉर्जिया की संसद के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और फिर रस्सी की मदद से अपने दोनों हाथ पीछे की ओर बांधकर आड़े तिरछे जमीन पर लेट गए। इनमें कुछ लोग तो अपनी साइकिल के साथ ही वहां लेटे दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग पास में मौजूद सीढ़ियों पर पड़े नजर आए। इन लोगों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां जंग में मारे गए लोगों के शव पड़े हों। इस दौरान कुछ लोग अपने कैमरों की मदद से उनकी इस अनूठी श्रद्धांजलि सभा का वीडियो रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। उधर यूक्रेन में चल रही जंग जितनी लंबी हो रही है, चीन की चिंताएं भी उतनी ही बढ़ रही हैं। रूस के सामने आने वाली हर परेशानी से चीन की टेंशन बढ़ने की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन की फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास ज्यादातर हथियार या तो रूस के ही हैं या फिर उनसे मिलते जुलते डिजाइन पर बनाए गए हैं। इसीलिए रूस की फौज को मिलने वाले झटके चीन की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। आसमान से जमीन पर गिरने वाला रूस का हर प्लेन चीन को परेशान कर रहा है। यूक्रेन की फौज को मिलने वाली हर कामयाबी रूस की तरह चीन की भी चिंता बढ़ा रही। डर इस बात का है कि अगर इन्हीं हथियारों के साथ कल चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। ताइवान पर तो अमेरिका और नेटो पहले ही चीन को चेतावनी दे चुके हैं। साफ कहा जा चुका है कि अगर ताइवान पर आक्रमण हुआ तो जवाब अमेरिका और नेटो की तरफ से दिया जाएगा। कीव पर कब्जे की कोशिश 40 दिन तक करने के बाद नाकाम होकर रूस की फौज ने अपनी दिशा ही बदल दी। लेकिन इस बात के दो मायने निकाले जा रहे हैं। पहला ये कि रूस की फौज को कीव में मुंह की खानी पड़ी और दूसरा ये कि ये जंग अब कई महीने खिंच सकती है। लेकिन दोनों ही सूरत में चीन के लिए परेशानियां कई गुना ज्यादा होने वाली हैं, जिसकी वजह केवल चीन और रूस की नजदीकियां नहीं है बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था भी है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था केवल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि बहुत कुछ ट्रेडिंग पर भी चलती है। मतलब ये कि दुनिया भर का सामान एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह पर बेचना। लेकिन जंग की वजह से समुद्र के बहुत सारे रूट ठप पड़े हैं। इसका सीधा नुकसान चीन की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है।
मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब होने के कारण भी चीन के लिए सप्लाई रूट बहुत अहम। समुद्र के रास्ते चीन के लिए दुनिया भर में फैले अपने ग्राहकों तक माल पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे जंग लंबी होती जाएगी, चीन के लिए ये मुश्किलें उसके गले की फांस बनती जाएंगी। इसके अलावा भारत की तरह चीन भी अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए, मतलब पेट्रोल या डीजल के लिए, आत्मनिर्भर नहीं है और जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि चीन की अर्थव्यवस्था में चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, कीमत कम होने की वजह से ही चीन दुनिया पर दबदबा बनाता रहा है, लेकिन कीमतें बढ़ने के बाद चीन के लिए बाजार में टिके रहना भी मुश्किल हो सकता है। अमेरिका के लिए खतरा बहुत बड़ा है। अमेरिका में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का चेयरमैन राष्ट्रपति का मुख्य मिलिट्री एडवाइजर होता है। ऐसे में बात जब अमेरिका के टॉप जनरल के मुंह से निकली हो तो वो हल्के में कतई नहीं ली जा सकती। अमेरिका के सबसे बड़े जनरल ने उसे चीन की सेना से बच के रहने की चेतावनी दी और दो टूक कहा कि चीन और रूस मिले हुए हैं और दोनों का लक्ष्य एक ही है, और वो है अमेरिका को चुनौती देना। चीन की सेना ने बीते कुछ वक्त में जिस तरह से खुद को आधुनिक बनाया है, खास तौर पर उसकी नेवी ने अपनी जो ताकत बढ़ाई है, उसने अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींची हुई हैं, क्योंकि नौसेना की ताकत वो हथियार है जो अमेरिका और चीन में जंग छिड़ने पर चीन का पलड़ा भारी कर सकती है। इसकी वजह यह है कि दोनों देशों के बीच में बस प्रशांत महासागर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी ही है, यानी अगर युद्ध हुआ तो पानी और आसमान में ही लड़ा जाएगा। ताजा हालात को देखते हुए अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि चीन अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो डबल गेम खेल रहा है। मतलब एक तरफ वो यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है ताकि यूरोपीय देशों के साथ उसके व्यापार पर कोई आंच ना आए, लेकिन अंदर खाने वो रूस को पूरा समर्थन दे रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा चीन इसलिए कर रहा है कि जिस दिन वो अमेरिका पर हमला बोले, उस दिन रूस उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो। असल में अमेरिका और चीन के बीच फसाद की जड़ है ताइवान, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, और अमेरिका में एक कानून है जो कहता है कि ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिका को ताइवान की मदद करनी ही होगी। यही वजह है कि जैसे ही अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर के ताइवान की यात्रा करने की खबरें आईं, चीन तिलमिला गया और उसने अमेरिका को तुरंत यह दौरा रद्द करने की धमकी दे डाली। जबकि अमेरिका और ताइवान की तरफ से अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान की यात्रा का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। बस ऐसी खबरें हैं कि वो रविवार को जापान के दौरे के बाद ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंच सकती हैं। लेकिन चीन इतनी बुरी तरह बौखला गया कि उसने सीधी चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और उसके लिए अकेला अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। बल्कि ताइवान और अमेरिका दोनों को धमकाने के लिए चीन ने एक बार फिर ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर दी। चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीन की सेना के 4 विमान ताइवान में घुसे। वहीं ब्रिटेन ने दावा किया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना को पछाड़ सकता है। ब्रिटेन का ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नेटो देशों से केवल और केवल हथियार मांगे और अपनी सेना और देश के नागरिकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने दुनिया के सामने शान से कहा कि यूक्रेन की आर्मी और लोगों ने दिखा दिया कि जंग कैसे लड़ी जाती है। has demonstrated that we know how to fight. केवल यूक्रेन के विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी वहां की सेना की वाहवाही की। उसने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना का घमंड तोड़ सकता है। मतलब ये कि ब्रिटेन ये कहना चाहता है कि हथियार मिलते ही यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों को उनकी नानी याद दिला देगी। खबर है कि ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने कहा कि लंबे युद्ध की वजह से रूस के सैनिक थक चुके हैं, जबकि यूक्रेन की सेना का जोश हाई है और उनकी मदद करने का ये सही वक्त है। दरअसल रूस की ताकतवर सेना का सामना जिस तरह यूक्रेन के सैनिकों ने किया, उससे पूरी दुनिया में यूक्रेन के सैनिकों की तारीफ हो रही है। वैसे ये बात किसी से नहीं छिपी कि यूक्रेन अब तक इस जंग में इसलिए खड़ा है क्योंकि पश्चिमी देशों से उसे हथियार मिलते रहे, जिनकी मदद से वो रूस के सैनिकों से लोहा लेता रहा। एक दिन पहले ही चेक रिपब्लिक ने ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को T-72 टैंक देगा, जिसके बाद वो पहला ऐसा देश बन गया जो जंग के दौरान यूक्रेन को टैंक देगा। चेक रिपब्लिक यूक्रेन को और भी कई खतरनाक हथियार देने वाला है। अब तक नेटो देशों ने एंटी टैंक और एंटीक्राफ्ट मिसाइल जैसे छोटे हथियार ही यूक्रेन को दिए हैं। हालांकि इन हथियारों ने भी यूक्रेन की कम मदद नहीं की। जैवलिन और स्टिंगर मिसाइलों की मदद से तो उसने रूस की सेना में खलबली ही मचा दी। We are
providing support but at the same time working hard to prevent escalation of the conflict. कहा जा रहा है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खास तौर पर जर्मनी से मदद मांगी. उन्होंने जर्मनी से कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने के काम में तेजी लाए क्योंकि बर्लिन के पास तो वक्त ही वक्त है लेकिन कीव के पास नहीं. माना जा रहा है कि यूक्रेन ने खास तौर पर जर्मनी का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसने संकेत दिए थे कि वो रूस के साथ संबंध बनाए रखने के पक्ष में है. और कहा जा रहा है